कर रहे भाई अभी अभी पुराना भैया कहाँ गए भैया अंकल ऐसा ना वो भी पब्लिक पर्सन है मैं अभी अपने स्कूटर से यहाँ से निकल रहा था तो इन बच्चों को कुछ बैगिंग स्टाइल में हम लोगों ने यहाँ पे मांगते हुए देखा। काफी लोगों ने इन लोगों की हेल्प भी करी लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल यहाँ गर्म आया, काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए इन दोनों बेटियों को देख के, जो एक आजकल के यूथ को शायद इन चीज़ों का पता नहीं है। पॉपुलर होने के लिए ये लोग फेसबुक पे आना है, यूट्यूब पे हमें अपने आप को वायरल करना है। मैं इनसे ये कह रहा था कि अगर आप कोई सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, जो पुलिस है, या तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके आप इस चीज़ को करें, क्योंकि आप भी किसी घर की बेटियाँ हो, कल को आपके पेरेंट्स के लिए यह एम्बेरसिंग हो सकता है। तो किस तरह की एक्टिविटी कर रहे थे, क्या देखा आपने? लोग यहाँ खड़े हुए लोगों से पैसे मांगना, खाने के लिए मांगना, इनसे एड्रेस पूछा गया तो इन्होंने कि हम जब से पैदा हुए हैं हर की पेड़ी पे कहीं रहते हैं, जगह का नाम इन लोगों को नहीं मालूम था। छात्र हैं तो क्या होता है, हम कभी कभी अपने छात्रों का प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ नज़दीक थे, नज़दीक के एरिया के पार्षद साहब के यहाँ के लड़के थे, तो उनको लेके हम लोग जो सिक्योरिटी के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिकल कराया, प्रैक्टिकल कर रहे थे हम लोग, तो ये लोग आ गए। फिर इनको हमने बताया, हमने कहा हमारा गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए उत्तराखंड का बेस्ट एक्टिंग स्कूल है। हमने ये स्विम सूट किया कि भीख जो है किस तरीके से मांगी जाती है, उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किस तरीके से होता है, तो जो हमने करेक्शन किया वो अभी हमने दान भी कर दिया है, और भी हम अपनी तरफ से 1000-2000 रुपये जो गरीब लोग हैं उनको दे के जा रहे हैं।